तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नए डीजीपी नीरज सिन्हा ने पदभार ग्रहण कर लिया है, इसके लिए कल अधिसूचना जारी हुई थी। डीजीपी नीरज सिन्हा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें, इससे पहले डीजीपी एमवी राव थे अतिरिक्त प्रभार में, और अब नीरज सिन्हा ने डीजीपी का पदभार ग्रहण किया है। कल ही मुख्यमंत्री ने इसके लिए अधिसूचना जारी की थी, और अनुशंसा के बाद, अधिसूचना के बाद पदभार ग्रहण करने कार्यालय पहुंचे नीरज सिन्हा। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं नीरज सिन्हा। ये रांची पुलिस मुख्यालय से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो ऑफिशियल तरीका होता है, जो कार्रवाई होती है पदभार ग्रहण करने की, वो तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं। डीजीपी नीरज सिन्हा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। रांची पुलिस मुख्यालय से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। झारखंड से ताल्लुक रहा है नीरज सिन्हा का। झारखंड के साहेबगंज में इनकी स्कूली शिक्षा हुई, और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय और दिल्ली से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, और 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा ने डीजीपी का पदभार ग्रहण कर लिया है। नीरज सिन्हा डीजीपी का पदभार ग्रहण करते हुए कल ही इसके लिए अधिसूचना जारी हुई थी। तीन नामों को रिकमेंड किया गया था, और नीरज सिन्हा को डीजीपी बनाया गया है। इससे पहले अतिरिक्त प्रभार में थे एमवी राव डीजीपी के रूप में, और अब चयन कर लिया गया है डीजीपी का। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा बने हैं झारखंड के डीजीपी, अगले डीजीपी नीरज सिन्हा जो पदभार ग्रहण कर रहे हैं। इससे पहले जैप में भी थे, एसीबी के डीजीपी रहे हैं, और काफी अच्छा इनका कार्यकाल रहा है नीरज सिन्हा का। और अब डीजीपी के, झारखंड डीजीपी के रूप में एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं नीरज सिन्हा। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। रांची पुलिस मुख्यालय से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डीजीपी नीरज सिन्हा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं नीरज सिन्हा, और डीजीपी के रूप में आज से नई पारी की उनकी शुरुआत हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, जो फॉर्मेलिटीज होती है अपनी कुर्सी, क्योंकि अतिरिक्त प्रभार में थे एमवी राव डीजीपी के रूप में, और अब डीजीपी की चेयर से वो खड़े हो गए हैं, और अपनी तमाम जिम्मेदारी वो नीरज सिन्हा को सौंप रहे हैं। गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया कार्यालय में, और अब झारखंड के अगले डीजीपी नीरज सिन्हा ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। ये आराम से बैठने की जगह नहीं है, आराम से वहां बैठने का। बड़ा मेमोरेबल एसोसिएशन रहा लगातार, एंड आई मस्ट ऑल्सो थैंक ऑल माई कोलीग्स। Thank you very much, he's one of the wonderful working with you, and do well.
ठीक है बहुत बढ़िया। अब हम लोग मिलेंगे दिल्ली या हैदराबाद जब आप लोग आएंगे क्या कहेंगे आपका दो बड़े मामले को आपने उद्भेदन किया। देखो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो जिम्मेवारी हमको सौंपी गई उसको मैं अपना टीम के साथ झारखंड पुलिस के हजारों कर्मी और पदाधिकारियों के साथ मिलकर जितना बेहतर सेवा दे सकता है उतना हम लोग देने की प्रयास किया था। इट इज़ फॉर यू फॉर द पीपल टू डिसाइड कि कितना अच्छा हुआ क्या हुआ और आगे भी बहुत कुछ करने का अभी समय है। तो ये झारखंड पुलिस विल कंटिन्यू टू डू गुड वर्क और बहुत ही अच्छी तरह से आज बिल्कुल पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ कि हम लोग एक योजनाबद्ध तरीका से पुलिसिंग में वह अपेक्षित सुधार की ओर हम लोग कदम बढ़ाए और ये कदम आगे बढ़ते रहेगा ऐसा मेरा कामना है। और ये कार्यकाल में जो साथ हमारा साथ काम किए हमारे कोलीग्स झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर में और झारखंड राज्य का सारे पुलिस कर्मी और पदाधिकारी उनको धन्यवाद देता हूँ सहयोग के लिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद जय झारखंड। एब्सोल्युटली नथिंग एट दिस एज आफ्टर सीइंग सम सर कार्यकाल में कई बातें चर्चा में रहती है। आयरन हैंड का चर्चा सबसे ज्यादा रहा सर आपके कार्यकाल। आई थिंक दैट वाज नेसेसरी एंड उससे कोई आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू से अबाउट एनीथिंग। जो कानून हित में जो मैं ठीक समझा था मैंने किया और उसके बारे में मुझे ना कोई रिग्रेट्स है ना किसी को कोई सफाई देने की जरूरत है। सुझाव देना चाहेंगे बता दिया मैं सब बता ये अरे हो गया है थोड़ी देर में करते हैं सर जी। मुख्यालय से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नीरज सिन्हा ने डीजीपी का पदभार ग्रहण कर लिया है। आईपीएस 1987 बैच के ये हैं और आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि राज्य हित में राष्ट्र हित में जो भी जरूरी होगा वो तमाम कदम उठाए जाएंगे। वर्तमान डीजीपी एमवी राव ने उन्हें पदभार सौंपा है और इस दौरान उन्होंने डीजीपी निवर्तमान डीजीपी एमवी राव ने कहा कि वो अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं और जो जरूरी हुआ वो कदम उन्होंने उठाया है और उसके लिए उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है। और नीरज सिन्हा जो नए डीजीपी बने हैं पदभार आज उन्होंने ग्रहण किया है। उन्होंने भी कहा कि झारखंड पुलिस बेहतर काम करे और हर कोई चाहता है कि उसके कार्यकाल में कुछ बेहतर हो अच्छा हो। वो भी कोशिश करेंगे कि डिपार्टमेंट के लिए बेहतर हो राज्य के लिए बेहतर हो और देश के लिए बेहतर हो ऐसा काम वो करे। आज पुलिस मुख्यालय में उन्होंने पदभार ग्रहण किया।